हाय गाइस, आप भाई गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिन से मतलब सोच रहा था व्लॉग करूं, बिकॉज़ पिछले 20 दिनों में शायद मैं ये सेकंड व्लॉग बना रहा हूं और कंटिन्यूटी ब्रेक होती जा रही है। मैं भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है बिकॉज़ अनलॉक वन चल रहा है, ऑफिसेज खुल गए हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं इस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर, तो उनको भी करना है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है यूट्यूब के लिए और अपने कंटेंट के लिए, लेकिन मेहनत चल रही है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पीछे छोड़ दिया है। जितना भी टाइम मुझे मिलता है मैं अपने यूट्यूब के लिए, व्लॉगिंग के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो मेहनत चल रही है। बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे इंटरेस्टिंग, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो होपफुली देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज का जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो है फिटनेस। वो क्यों है, कैसे है, चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। तो भाई साहब, हो ये रहा है कि पिछले 9-10 महीने से हमने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया है, और जो हम पिछले 1 साल 1.5 साल हमने जो वर्कआउट किया था, जो रनिंग, जो कार्डियो, जो जिम, हम इतना मोटिवेशन से भरे हुए थे और आप सबको भी मोटिवेट मैं कहीं ना कहीं करता रहता था, बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन पिछले 9-10 महीनों से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, व्लॉगिंग हो, सर्दियाँ हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन एट द लास्ट कारण सबसे बड़ा मैं खुद हूँ, बिकॉज जब तक इंसान खुद नहीं चाहता, जब तक आपको कोई नहीं रोक सकता, तो मैं खुद नहीं वर्कआउट कर रहा था, इसलिए मैं ये सारे बहाने यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब बहाने भरने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है मैंने ऑलरेडी, और बिल्कुल फिटनेस के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। पूरे दिन घर पे रहना, आप लॉकडाउन में 3 महीने ऑलमोस्ट घर रहा हूँ, अभी ऑफिस खोल गए हैं, लेकिन फिर भी वर्कआउट तो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, तो आज हमने कुछ प्लान किया है इस चीज़ के लिए, बिकॉज पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा और कोरोना कब तक रहेगा। जिम सारी बंद है, ग्राउंड सारे बंद हैं, तो कोई ना कोई ऑप्शन जरूरी था, तो इसीलिए हमने कुछ चीजें, कुछ सामान अपने घर पे ऑर्डर किया है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि अपने घर पे एक छोटा सा जिम क्रिएट करने का, जिससे कि हम घर पे ही अपना वर्कआउट कर पाएं, थोड़ी सी है ना फ्लेक्सिबिलिटी रहे टाइम की, कि सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड जाना पड़ता था, वैसा नहीं है, जब आपकी आंख खोले या जब आप कंफर्टेबल हो तब आप वर्कआउट कर सकते हो। तो इसीलिए हमने कुछ चीज़ें आज ऑर्डर की हैं जो हमारी आज डिलीवर हो गई हैं, तो चलिए अब उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक हम घर पे अपना छोटा सा जिम सेटअप करने वाले हैं। चलिए, तो गाइज आज ये 2 आइटम हमने अपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, वो आज डिलीवर हो गए हैं। तो एक तो ये छोटा आइटम है कुछ, और एक ये बड़ा पैकेट है। तो ये 2 आइटम फ्लिपकार्ट से मंगाए थे जो कि आज आ गए हैं। तो चलिए खोल के देखते हैं इसमें क्या है और किस तरीके से हम अपनी जिम की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये कुछ गर मूवी स्टाइल में हमने इसको खोल दिया है एक ही बार में, और ये कोई बहुत बड़ा पैकेट आया है, तो चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। तो चलिए गाइस, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो कुछ तरीके से करेंगे, एक तो हाथ वैसे ही हमारे नहीं चल रहे ढंग से। ये है वो आइटम यानी कि जिम बाय साइकिल। तो ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं, इसको अभी हम असेंबल करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करेगी। तो ये तो है जिम बाय साइकिल, तो इसको अभी हम साइड कर देते हैं। और एक ये छोटा आइटम जो हमने अभी मंगाया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो गाइज इसमें है ये जिम एब ट्विस्टर, यानी कि एब्स के लिए होता है ये, आप घर पे बहुत इजीली अपने एब्स को मेंटेन कर सकते हैं, और लेडीज़, फीमेल्स, मैंस किसी के भी यूज़ आ सकता है। 150 kg तक ये सपोर्ट कर लेता है। तो एक तो ये आइटम आज हमने मंगाया है, और ये कि जिम बाइसाइकिल। कुछ आइटम्स और हैं जो हमने ऑलरेडी खोल लिए, तो वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वाला पैकेट भी मैंने ओपन कर लिया, तो इसमें एक ये डिस्प्ले मीटर है जो कि आपको कैलोरीज, टाइम और स्पीड दिखाता है आपकी। और इसमें ये एक सेट ऑफ पेयर ऑफ पैडल है जो कि साइकिल चलाने के काम आएगा ऑब्वियसली। और इसमें कुछ ये नट बोल्ट्स वगैरह हैं, रिंच वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो मतलब असेंबल हम खुद से कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है।
तो चलिए अब थोड़ा सा मैनुअल पढ़ के फिर इसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। वर्कआउट तो इसको कसने में ही हो जाएगा आज, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज काफ़ी मेहनत है इसमें, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करना पड़ेगा तब जाके हमारी बाइसाइकिल तैयार होगी। तो आई थिंक एक आध घंटे का वर्कआउट तो आज इसको कसने में हो ही जाएगा। तो हमारा बेस तैयार हो गया, दोनों पैर ये कस दिए मैंने, अब ऊपर का आगे देखेंगे क्या करना है। रियांश क्या हो रहा है? ये ठीक है, रियांश का एक तरह से पूल बन जाएगा ये। ओह हेलो। तो गाइज अब फाइनली दो घंटे की मेहनत के बाद ये बाइसाइकिल असेंबल कर लिया, और मुझको और मोना को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इसको असेंबल करने में, पसीने छूट गए लिटरली, लेकिन फाइनली ये हो गई है। और जो मैं और सामान की बात कर रहा था वो ये है, कुछ प्लेट हैं, कुछ डंबल हैं, बाकी रॉड वगैरह मेरे पे ऊपर रखा हुआ है। तो काफ़ी कुछ एक मतलब रूटीन वर्कआउट के हिसाब से मेरे पे हो जाएगा। यहाँ पे वेट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे साइकिलिंग कर सकता हूँ, और ये मोना भी ट्राई कर रही है ट्विस्टर पे। तो ये सारी चीज़ें, बाकी थोड़ा बहुत सामान और अभी आना है, तो बाकी एक छोटी सी मतलब एक जिम हमारी तैयार हो जाएगी। तो अभी जब इसको ऊपर सेटअप करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर कि हम ऊपर क्या करने वाले हैं। तो गाइज ये है मेरा ऊपर वाला रूम जहाँ पे हमने ये सेटअप किया अपना थोड़ा सा जिम का। तो यहाँ पे ये बाइसाइकिल रख दी है जिसपे थोड़ा बहुत वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक वर्कआउट हम कर लेंगे। यहाँ पे डंबल, ये मेरे पे एक पुरानी रॉड पड़ी थी जिसमें करिए 15-20 किलो का वेट है ऑलरेडी, और 10 kg वेट में आज और मंगा लिया हमने। ये यहाँ पे ट्विस्टर हो गया, बाकी 2-3 चीज़ें और आनी है। तो एक मतलब रूटीन वर्कआउट के लिए हो गया। यहाँ पे मैंने अपने बूफर आईबॉल के ये लगा दिए हैं, और यहाँ पे कोई नहीं रहता ऊपर, यहाँ पे सिर्फ घर का कबाड़ा पड़ा हुआ है। तो अब हम इस जगह को यूज़ करेंगे एज अ जिम, थोड़ा सा कोशिश करेंगे मतलब थोड़ा फिट होने की वापस, और मतलब रूटीन बनाने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाएंगे। सो देखते हैं, लेट्स सी। तो गाइस 2-3 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली जिम सेटअप हो गई है। जिम क्या वो बाइसाइकिल सेटअप करने में यार पसीने छूट गए मेरे तो, और बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग सा था, लेकिन फिर भी बुकलेट पढ़ पढ़ के, मैनुअल पढ़ पढ़ के, गूगल कर कर के, यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प लेके फाइनली वो इंस्टॉल कर दी। तो आज सैटरडे है तो इसलिए आज जिम नहीं करूँगा या स्टार्ट नहीं करूँगा, बिकॉज एज यू नो कि लोहे के साथ कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए शनिवार को, ये मानना है थोड़ा घर में, हम भी मान लेते हैं। तो कल मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगा मैं अपना वर्कआउट, और थोड़ा सा अपडेट करूँगा आपको कि हाउ आई फील एंड मेरा एक्सपीरियंस जो भी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 8:30 बजे और मैं फाइनली आ गया हूँ अपने वर्कआउट के लिए। आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मन तो था कि सुबह 6-7 बजे आऊँ, लेकिन एक ही तो संडे मिलता है यार, उसमें भी अगर नींद ख़राब की तो फिर फ़ायदा नहीं है। वैसे भी इतने दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, और घर पर सेटअप होने का यही एक फ़ायदा है कि आप टाइम के साथ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जब आपका मन करे, जब आपको टाइम मिल जाए तब आप वर्कआउट कर सकते हो। तो मैं फाइनली आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, कार्डियो करेंगे, बिकॉज आज ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करूँगा, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत दिनों से किया भी नहीं है। तो अभी मसल्स को पहले गर्म करना पड़ेगा, तब जाके फिर इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए अभी वर्कआउट की शुरुआत करते हैं। तो गाइस कार्डियो हो गया, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिए, बिकॉज सारी मसल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्कआउट से पहले, तो प्री वर्कआउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हो गया है, अभी मैं साइकिलिंग करूँगा, आधे घंटे करीब साइकिलिंग करूँगा, बिकॉज कैलोरीज बर्न करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करना है, तो साइकिलिंग उसके लिए बेस्ट है। तो आधे पौने घंटे जितने भी टाइम मैं कर पाता हूँ तो साइकिलिंग करेंगे, और उसके बाद देखते हैं थोड़ा वेट करना है कि नहीं आज, लेकिन जो भी अपडेट करता हूँ।
this time, I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took. तो भैया अभी सिर्फ 10 मिनट हुए मुझे साइकिलिंग करते हुए और कितना ज्यादा पसीना निकल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये पसीना ही है जो आपको मोटिवेट करता है फिटनेस के टाइम पे। ये पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है और यही वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और थोड़ी देर साइकिलिंग करेंगे। तो गाइज आधे घंटे साइकिलिंग कर लिया, आप देख सकते हैं हालत, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा स्वेट आउट घर पर कर पा रहा हूँ। और मतलब अब ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, ग्राउंड जिम जाने की, मैं घर पे ही अगर चाहूँ तो फिटनेस के लिए काम कर सकता हूँ। तो खुशी हो रही है, आधे घंटे साइकिलिंग कर ली है। अभी थोड़ा सा वेट लिफ्ट करूँगा, बिकॉज आज थोड़ा सा जोर डाल देता हूँ जिससे कि एक दो दिन में अपना फिर रेगुलर वर्कआउट कर पाऊँ। तो लेट्स डू इट, आइए। सिर्फ एक घंटे वर्कआउट किया और हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है। लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़े से शुरुआत करूँगा, धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। घर पे जिम है तो अब टाइम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है कि आप जब उठ जाएं, जब आपका मन करे, जब दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जब आपकी कैपेसिटी है उतना वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रेगुलर हैबिट में लाने की कोशिश करूंगा, सुबह शाम दोनों टाइम वर्कआउट करूंगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या कॉस्टिंग पड़ी, क्या चीज़ कितने में आई जिससे घर पे आप भी फिटनेस इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। तो जिम तो नहीं बोलूंगा इसको कि आप होम जिम बना रहे हैं, लेकिन आप एक होम जिम इक्विपमेंट्स के साथ अपने फिटनेस के लिए वर्कआउट ज़रूर कर सकते हैं घर पे, और बहुत कम रेट में आप ये सेटअप बना सकते हैं। अगर मैं जिम बाईसाइकिल की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए थी घर पे, तो वो मुझे 5,000 रुपये की फ्लिपकार्ट से मिली है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ऐप ट्विस्टर मुझे 260 रुपीज़ का पड़ा है, वो भी फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। बाकी डंबल मैं लोकल मथुरा शॉप से लेके आया था, तो मुझे 1500 के आसपास मुझे 2 डंबल 5 kg के मिल गए हैं। 2 प्लेट लेके आया था मैं, 10-10 kg की या 5-5 kg की मुझे याद नहीं, तो वो भी मुझे 500 रुपये के आसपास पड़ी थी। रॉड प्लेट मेरे पास ऑलरेडी थी। अगर आप पूरा सेट भी खरीदेंगे रॉड प्लेट और 20 kg वेट के साथ, तो भी आपको 3,000 के आसपास पड़ जाएगा। एक चीज़ और मैंने मंगाई है जो अभी आई नहीं है, वो है रेजिस्टेंस बैंड होता है, रेजिस्टेंस स्प्रिंग्स होती हैं, जिससे आप बहुत सारे तरीके के वर्कआउट घर पे इजीली कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज घर पे वाईफाई भी वर्कआउट कर सकती है, सिस्टर भी कर सकती है, तो उनको काफ़ी ईजी रहेगा घर पे, तो अब सबके लिए हेल्प हो जाएगी। तो आप टोटल कॉस्टिंग करेंगे तो आराम से 10-12 हज़ार रुपये में आप घर पे इन इक्विपमेंट के साथ एक छोटा सा जिम वर्कआउट स्टेशन बना सकते हैं, जो आपकी बहुत मदद कर सकता है। और कोविड का पता नहीं कब तक चलेगा, लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा, तो आप घर पे वर्कआउट अच्छे से कर पाएंगे। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ऑल दी बेस्ट। सो गाइज आज के वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज था वो था फिटनेस, बिकॉज आज से हमने फिटनेस स्टार्ट कर दिया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन दें। और जो चीज़ें मैंने घर के लिए मंगाई हैं, मुझे लगा शायद वर्थ शेयरिंग है, आपके साथ में शेयर करूँ। शायद बहुत सारे लोग घर पे करना चाह रहे हो या घर पे सामान मंगाना चाह रहे हो, तो आपके काम की चीज़ हो सकती है, तो इसीलिए वीडियो बनाया। बाकी आज से वर्कआउट कर दिया और कोशिश करूंगा कि रेगुलर वर्कआउट करूं। और जैसे मैं पहले अपने वर्कआउट के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करता था, अपने मोटिवेशन स्पीक्स के थ्रू आपको मोटिवेट करता था, वैसे ही मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में इस तरीके के व्लॉग भी मैं लाता रहूं। बाकी आज से हम अपनी डाइट भी फॉलो करेंगे, बिकॉज 90% इज योर डाइट एंड 10% इज योर वर्कआउट, तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से फिर स्ट्रिक्ट डाइट हम आज से फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएं लॉन्ग टाइम तक, और वापस अपनी फॉर्म में आएं, वापस अपनी शेप में आएं, और थोड़ा सा वेट लॉस करें और आपको मोटिवेशन दे पाएं। सो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग में बहुत जल्दी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट स्टे फिट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।